बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। पोस्ट ऑफिस में होंगे ATM। 5 लाख से कम इनकम वालों को 3,000 की राहत मिलेगी। 1 करोड़ से ज्यादा इनकम वालों का सरचार्ज बढ़ाया गया है। वहीं 10 लाख के विवादित टैक्सों पर कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। अगले 5 सालों में किसानों की इनकम दुगनी करने का टारगेट रखा गया है। नए कर्मचारियों का 3 साल तक PF भरेगी सरकार। हॉस्पिटलों में डायलिसिस सेवा होगी शुरू। बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि आधार को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली दी जाएगी। 2 साल में 1.5 करोड़ गरीबों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा। कांग्रेस ने बजट को कोसा। खड़गे बोले, ये गरीबों का नहीं अमीरों का बजट। जेटली के इस तीसरे बजट को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। मनीष तिवारी ने कहा कि ये बयानबाजी का टुकड़ा है जो इकोनॉमी के सिकुड़ने में योगदान देगा। वैसे इस बजट का बीजेपी ने स्वागत किया है। पंजाब में केजरीवाल की कार पर हमला। हमला लुधियाना में किया गया, इसमें उनकी कार का शीशा टूट गया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कांग्रेस और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर भी निशाना साधा। फिर से प्लेन उड़ाएंगे मोदी के मिनिस्टर राजीव प्रताप रूडी। संसदीय राज्य मंत्री रूडी एक ट्रेंड पायलट है। उन्होंने बताया, मेरा लाइसेंस लैप्स होने की कगार पर है। मुझे एयर इंडिया और इंडिगो की तरफ से ऑफर लेटर्स मिले हैं। संघ के मंच से मुस्लिमों को धमकी। मोदी के मंत्री ने कहा, हमें ताकत दिखानी होगी। रामशंकर कठेरिया ने आगरा में एक VHP वर्कर की श्रद्धांजलि के दौरान कहा, हमें खुद को ताकतवर बनाना होगा, जंग छेड़नी होगी। ऐसा नहीं किया तो कल दूसरा साथी भी खोना पड़ेगा। अब नजर डालते हैं शेयर मार्केट पर। इवनिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर .com।